हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर सुदेश चौधरी, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री फ्रॉम एसएचएन सुबोध पीजी महिला महाविद्यालय रामबाग जयपुर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। डी ब्रोगली वेव इक्वेशन डी ब्रोगली ने ये कहा कि जिस तरीके से लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, वैसे ही माइक्रो पार्टिकल्स का भी ड्यूअल नेचर होता है। ये पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी शो करते हैं, और उन्होंने जब ये वेव नेचर शो करेंगे तो इनके साथ वेव जुड़ी रहेंगी, और इन वेव्स को डी ब्रोगली ने सबसे पहले कैलकुलेट की थी, इसीलिए इनको डी ब्रोगली वेव्स भी कहते हैं। डी ब्रोगली ने ये वेव्स कैलकुलेट करने के लिए दो इक्वेशंस यूज की। उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से जब लाइट जो है वो रेडिएशंस की तरह बिहेव करती है, लाइट जब रेडिएशंस की तरह बिहेव करेगी तो फ्लांग के अकॉर्डिंग एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, अकॉर्डिंग टू मैक्स फ्लांग। एनर्जी ई इक्वल टू होगा एच न्यू। यदि रेडिएशंस न्यू फ्रीक्वेंसी से मूव करती हैं तो इनकी एनर्जी होगी ई इक्वल टू एच न्यू, जहां एच जो है फ्लांग कांस्टेंट है और न्यू फ्रीक्वेंसी है। इक्वेशन नंबर वन। जब ये रेडिएशंस पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती है तो इनके लिए आइंस्टीन ने एक एनर्जी कैलकुलेट की थी। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन एनर्जी की इक्वेशन ई इक्वल टू होता है एम सी स्क्वायर, जहां सी जो है वो लाइट वेलोसिटी है और m जो है वो मास है लाइट का, मास ऑफ लाइट। डी ब्रोगली ने इन दो इक्वेशंस का यूज किया। ये दोनों एनर्जी जो है वो एक ही रेडिएशंस की एनर्जी है, इसीलिए इनका एक साइड इक्वल है तो दूसरा साइड भी इक्वल होगा। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू एच न्यू ये इक्वल टू होगा एम सी स्क्वायर के। एच न्यू मैं एक सी को इसके नीचे ले आऊं, सी इक्वल टू एम सी। एम क्या है, मास, और सी क्या है, वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी ये होता है मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी ये होता है मोमेंटम पी। तो मैं इस mc की जगह वैल्यू पुट करूंगी p, h nu अपॉन c, ये इक्वल टू हुआ p। अब देखो लैम्बडा वेवलेंथ और न्यू फ्रीक्वेंसी में एक रिलेशनशिप होता है। लैम्बडा जो होता है वो होता है c अपॉन न्यू, ये क्या है c अपॉन न्यू। तो मैं यहां पे नीचे लैम्बडा रख दूं, मींस हमारे पास h अपॉन लैम्बडा ये वैल्यू आई है पी। ये वैल्यू कैलकुलेट की गई थी रेडिएशंस के लिए। इसी वैल्यू का यूज किया किसने, डी ब्रोगली ने। डी ब्रोगली ने यही इक्वेशंस किसके लिए यूज की, पार्टिकल्स के लिए। उन्होंने ये कहा कि कोई माइक्रो पार्टिकल है जिसका मास एम है, कोई माइक्रो पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो पार्टिकल का मास m है, वेलोसिटी v है, तो पार्टिकल का मोमेंटम p की वैल्यू क्या होगी, m इंटू वी, एम इंटू वी। ये वैल्यू मैं इस इक्वेशंस में रख दूं, इक्वेशन नंबर थर्ड में वैल्यू रख दूं मोमेंटम की, तो मेरे पास h अपॉन लैम्बडा की वैल्यू आ गई m इंटू वी। लैम्बडा की वैल्यू क्या आएगी,
एच अपॉन एम वी। ये इक्वेशन कहलाती है डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। ये क्या कहलाएगी? डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। इस इक्वेशंस में वेवलेंथ लैम्डा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। किसी भी पार्टिकल का मास जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसके साथ एसोसिएट वेवलेंथ की वैल्यू कम होती जाएगी। मीन्स उसके साथ जो जुड़े हुए लाइट नेचर है वो या रेडिएशन नेचर है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसीलिए ये जो ड्यूअल नेचर कहा गया वो किसके लिए कहा? माइक्रो पार्टिकल्स के लिए कहा। जैसे ही पार्टिकल का मास बढ़ना शुरू हो जाएगा लैम्ब्डा की वैल्यू कम हो जाएगी और केवल पार्टिकल नेचर ही शो करेंगे, वो ड्यूअल नेचर शो नहीं करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।